तो ये है दोस्तों वो कुर्ती जो मैंने पहाड़ी कुर्ती कटिंग करी थी ना, इसका अस्तर मैंने कटिंग नहीं किया था, तो ये मैंने अस्तर कटिंग कर दिया है इसका भी और इसका भी। पतला कपड़ा लगा मुझे तो मैंने अस्तर भी कट कर लिया इसका। तो अब इसको जॉइंट करेंगे। ये है इस पल्ले का सीधा पार्ट, ये पीछे का पल्ला है, और इस पर ऐसे करके ये अस्तर का कपड़ा रख देंगे और इसको पिनअप कर लेंगे, चारों तरफ से इसको पिनअप कर लेंगे ऐसे करके, ऐसे पिनअप कर लेंगे। ऐसे करके चारों तरफ से पिनअप कर लेंगे। और इसमें मैं सिलाई कर लेती हूँ मुड्डे और गले की। ये है ना मुड्डे मतलब हारमोल की, और ये शोल्डर की और गले की मैं सिलाई कर लेती हूँ। और ऐसे ही ये सीधे पल्ले की, सीधा पल्ले की भी ऐसे ही कर लेंगे दोनों तरफ, ऐसे ही जैसे ये करा हुआ है इसी तरह। ये मैंने सिलाई कर दी है, अब इसमें सीधा करना है तो इसको कट करना करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये गला है ना, इसको सही से आने के लिए इसको कट करना पड़ेगा, लेकिन कट का ध्यान रखें कि सिलाई पे कट नहीं करना है, सिलाई से हटके ऐसे कट कर देते हैं तो ये सफाई से आ जाता है। तो इसको अब हम उल्टा सीधा कर लेंगे। पीने लगाने से थोड़ा काम इजी हो जाता है, तो ऐसे करके इसको सीधा निकाल लेंगे। मैंने मुड्डे भी इसलिए कर लिए कि मेरे पास वो होता है ना इंटरलॉक की मशीन नहीं है, तो ये इंटरलॉक का काम कर देते हैं, ऐसे सिलाई करके इंटरलॉक टाइप का हो जाता है, उधड़ने का डर नहीं रहता। ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिलाई होगी, फिर वो दूसरा पल्ला लगेगा ना, तो यहाँ पे भी सिलाई हो जाएगी, यहाँ पे सब में सिलाई आ जाएगी, तो ये इंटरलॉक का काम हो गया। इस तरह से ऐसे ही सीधा आगे का पल्ला भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों, इस तरह से आएंगे। तो चाहो तो इसमें प्रेस कर लो तो प्रेस करके ये ढंग से बैठ जाएगा, और मैं तो ऐसे ही कर लूंगी। अब ये डार्ट्स बनाए थे ना, ये डार्ट्स हल्के हल्के जब तक दिख रहे हैं तब तक हम इस पे डार्ट्स बना लेंगे। इसमें तो आगे के पल्ले में तीन डार्ट्स आएगी, तीनों डार्ट्स तीन इधर और पीछे के पल्ले में ये दो डार्ट्स आएगी, बस सिर्फ ये दो, ये और ये। तो इसको कर लेते हैं, नीचे ये पल्ले सिलाई कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको दिखाते हैं। तो ये पहले पीछे वाले गले की सिलाई कर लेते हैं। तो पीछे वाले गले की सिलाई थोड़ी चौड़ी करेंगे,
और अब ऐसे ही आगे के पल्ले में इसमें लेकिन बारीक बारीक लगानी है, बारीक बिल्कुल लास्ट में सिलाई मारेंगे। इसी तरह से सारे में सिलाई मार देंगे। ये देखिए हमने दोनों पे मार लिए, इस गले पीछे के गले पे भी और आगे के गले पे भी मार लिए। अब हम ये डार्ट्स बनाएंगे, इसको इधर से पकड़ेंगे पीछे की तरफ से और ये डार्ट्स बना लेंगे। ये हो गई जी ये पीछे की डार्ट्स और ये आगे की डार्ट्स, आगे की ये वाली एक्स्ट्रा आती है, ये आगे की हो गई। अब हम ये वाली सिलाई कर लेते हैं, इसकी और इसकी नीचे की पल्लों की सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने सिलाई कर दी है अस्तर पे भी और नीचे ये बखिया कर दिया है क्योंकि नीचे तुलपाई आएगी, इतनी मोटी आती है ये मोटा आता है तो यहाँ पे तुलपाई आएगी, ये मैंने बखिया कर दिया, फिर मैं इसको उधेड़ दूंगी, तुलपाई करके इसको उधेड़ दूंगी। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब मैं इसके शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट करूंगी, ये शोल्डर जॉइंट करेंगे, ये मैंने मुड्डे जॉइंट कर लिए हैं। अब आस्तीन काटेंगे, आस्तीन का ये कट होगा आगे के, ये जो आधा भाग है ना इस पे थोड़ी और कटिंग होगी, इससे ये आर्महोल चुभता नहीं है तो इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। ये थोड़ी इस तरह में कटिंग होगी ऐसे, ये दो हो गई, दो आस्तीन की आगे की कटिंग, ये है आगे के पल आगे आएंगे ये, तो इसको भी हम पहले ये सिलाई कर लेते हैं फिर जॉइंट कर लेते हैं। आप इसमें जॉइंट कर लेते हैं। ये मैंने आस्तीनें लगा दी हैं, ये आस्तीनें लगा ली है स्लीव्स। अब मैं इसको ऐसे करके साइड से भी पूरा जॉइंट कर लूंगी, ऐसे साइड से जॉइंट कर लूंगी। अब मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारी पहाड़ी कुर्ती तैयार, पहाड़ी जौनसारी गढ़वाली, मतलब ये कल्चर ड्रेस है हमारी। तो ये एक तरह का लहंगा होता है उसके साथ पहनी जाती है। तो ये इसका इसे मैं पहनूंगी 19 तारीख को प्रोग्राम में। तो आप वीडियो में बने रहें, मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो आप 19 का ब्लॉग मैं डालूंगी, 20 को आएगा तो 20 का ब्लॉग आप देखेंगे, उसमें मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। पूजा में जाना है ना तो वहाँ पे ड्रेस पहनूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।